भोजपुरी सुपरस्टार पवन खेसारी और निरहुआ इस साल तो नहीं लेकिन अगले साल यानी कि 2019 में एक साथ एक फिल्म में नजर आने वाले हैं। हमें पता है आपको पहले इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन लीजिए पहले फिल्म का नाम तो सुन लीजिए। फिल्म का नाम है देश के सपूत। इन तीनों सुपरस्टार को एक साथ देखने का मौका आपको जल्द ही मिलने वाला है। और वैसे भी इन तीनों सुपरस्टार्स के फैंस ये चाहते थे कि ये तीनों एक बार किसी न किसी फिल्म में तो साथ नजर आए। बताया जा रहा है कि फिल्म की स्टोरी देशभक्ति पर आधारित होगी और देश में फैल रहे भ्रष्टाचार और सामाजिक कुरीतियों को दिखाएगी। साथ ही भोजपुरी सिनेमा को नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सुथरी दिखाने के अभियान में ये फिल्म एक मुख्य भूमिका निभाएगी, क्योंकि इस फिल्म में अश्लीलता के नाम पर कुछ भी गलत सलत परोसा नहीं जाएगा, जो कि ज्यादातर भोजपुरी फिल्मों में होता है। फिल्म की हीरोइन अभी तय तो नहीं हुई है, लेकिन हमारी खबरों की माने तो इस फिल्म में तीन नई हीरोइनें होंगी, यानी कि पवन, खेसारी और निरहुआ तीन नई हीरोइनों के साथ फिर से नजर आएंगे। इस फिल्म में निरहुआ पवन और खेसारी के बड़े भाई का किरदार निभाएंगे, तो फैंस देर किस बात की। आप जल्द ही फिल्मी पर्दे पर पवन, खेसारी और निरहुआ को एक साथ देख पाएंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।